भाई को तो अरेस्ट कर लिया है, अब तू कब सरेंडर करने वाला है यही पूछना आया था। अबे चुप कर, तेरी तो क्या नाटक लगा रखा है, हैं? तू आंखें दिखाता है, वो तेरा भाई कन दिखाता है, सहाय पत्थर बांधकर लाश को समुद्र में फेंकता है और साथ में डैनी से तेरा माल भी लेकर आता है और दुनिया के सामने तुम लोग दुश्मन बने फिरते हो। तू सोच रहा होगा कि सहाय सेव है। अबे पिछले महीने की 28 तारीख को जेल तोड़कर वो डैनी को जहाज से पहुंचाकर खुद कन्याकुमारी में जाकर बैठा हुआ था। उसने सिर्फ सिम कार्ड बदला है, मोबाइल फोन नहीं। उसके मोबाइल फोन के IMEI नंबर के जरिए कितने सिम कार्ड बदल रहा है, किस किस शहर में घूम रहा है सब जानता हूं मैं। एक हफ्ते गुजरात में था वो, 4 दिन गोवा में था, 5 दिन मुंबई, 8 दिन हैदराबाद और इस वक्त वो रामेश्वरम में जाकर बैठा हुआ है। कल चेन्नई से उसने तेरा माल भी उतारा था, ये भी जानता हूं मैं। भाई की गिरफ्तारी से बेखबर होकर वो किसी रोड के किनारे बैठकर बिरयानी खा रहा होगा साला भूतनी का। क्यों यकीन नहीं आ रहा, फोन करके खुद ही पूछ ले। क्यों खा रहा है ना? मैंने सोचा था जरूरत पड़ने पर उसे पकड़ लूंगा, लेकिन जब वो तेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट है अब उसके साथ छुपा छुपी नहीं खेलूंगा। हाँ, इस वक्त वो क्या कर रहा है, कितना डिस्टेंस है? ओके, टेक योर पोजिशन, रेडी, 1, 2, 3, फायर। मर गया, खेल खत्म। अबे जब 100 मील दूर बैठे को टपकाने में सिर्फ 10 सेकंड, तो तुझे टपकाने में कितना टाइम लगेगा बे? सीधा ठोक कर चलता बनूंगा। अरे भगवान ने इतना खूबसूरत परिवार दिया है तुझे, अच्छा खासा धंधा भी करता है तू, सिर्फ चंद पैसों के लिए इतना गिरा हुआ काम करेगा, ये सोचते हुए भी घिन आती है मुझे। अब सुन, कल सहाय की बॉडी आएगी, चुपचाप से बॉडी को लेकर उसे बक्से में डाल के माला चढ़ाकर मिट्टी डाल के दफन करके चलते बनना। अगर उसके बजाय गुंडों को भेजकर शहर में हंगामा करवा के पब्लिक को डिस्टर्ब करने की कोशिश की, तो याद रखियो, यमराज माफ कर सकता है, मैं नहीं। आगे का फैसला तेरे हाथ में।